मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से होशंगाबाद ले जाई जा रही 22 लाख रुपए से अधिक रकम को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान गुरुवार सुबह पुलिस ने एक वाहन को रोका था और इस दौरान इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पूछताछ की गई तो रकम ले जाने वाले लोग कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 22,80,000 रुपए की रकम लॉकडाउन में लगे जनता कर्फ्यू के बीच इंदौर से होशंगाबाद ले जाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को कनाड़िया थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान ये बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस की माने तो महिंद्रा वाहन में रखे कार्टून को चेक किया गया तो उसमें 22,80,000 रुपए की राशि मिली, जिसके संबंध में राशि धारक गजानंद कुमावत निवासी पालना इंदौर से पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने गजानंद और उसके दो साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ में गजानंद ने ये बात कबूल की है कि ये रुपए वो होशंगाबाद के कॉलोनी नाइजर पुनीत शर्मा को देने जा रहा था। पुलिस ने राशि को जब्त कर गजानंद सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दी है। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये मामला हवाला कारोबार या किसी अन्य अनैतिक गतिविधि से तो जुड़ा नहीं है। कनाड़िया थाना प्रभारी राजीव सिंह भदौरिया ने बताया कि फिलहाल राशि के संबंध में आयकर विभाग को सूचना कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके आखिरकार इतनी बड़ी रकम कहां से आई है और कहां इस राशि का उपयोग किया जाना था। हमारी टीम कनाड़िया रोड पर स्थित छोटा राजवाड़ा तिराहे पर वाहन चेकिंग और संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक महिंद्रा क्वांटो वाहन रोक कर जब चेक किया तो उसमें 22,80,000 रुपए की राशि रखी हुई पाई गई। उक्त राशि के संबंध में पूछताछ करने पर राशि के धारक गजानंद कुमावत, जो कि पालदा का रहने वाला है, वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। ऐसी परिस्थिति में उक्त राशि को जब्त किया गया है और प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उक्त राशि होशंगाबाद के एक कॉलोनाइज़र की है, पूर्णेश शर्मा उनका नाम है। बाकी उक्त राशि के संबंध में अभी तक कोई समाधानकारक वक्तव्य एवं दस्तावेज गजानंद के द्वारा या जो धारक है उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने इस मामले को आयकर विभाग को भी संज्ञान में उनके संज्ञान में भी लाए हैं और अब आगे की इसमें अनुसंधान और जांच की कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा की जाएगी।